नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राजस्थान से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल मुगलों की नहीं बल्कि हमारे पुरखों की विरासत है। राजसमंद में सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि राजमहल हमारी प्रॉपर्टी थी और ये हमारी विरासत रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ताजमहल की जमीन हमारे पुरखों की थी। हमारे पोखी खानों में जमीन से जुड़े दस्तावेज रखे हैं। उन्होंने कहा है कि जमीन हमारी थी लेकिन राज मुगलों का था, इसीलिए उन्होंने जमीन ले ली और उस पर ताजमहल बनवा लिया। हो सकता है तब उन्हें वो जमीन पसंद आई हो। राजद्रोह कानून पर जारी चर्चा के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगा दी है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने कानून की समीक्षा की बात कही है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि वो कुछ जनहित याचिकाओं के चलते कानून को खत्म नहीं कर सकते लेकिन समीक्षा पूरी होने तक इस पर रोक लगा सकते हैं। अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में रहने वाले केआरके एक बार फिर सुर्खियों में है। केआरके अक्सर अपने ट्वीट्स में बॉलीवुड और सेलेब्स को लेकर के अपनी बेबाक राय रखते हैं, वहीं देश विदेश से लेकर राजनीति तक पर वो ट्वीट करते हैं। ऐसे में इस बार केआरके ने इस बार बॉलीवुड की क्वीन एक्ट्रेस कंगना रनौत और लॉकअप शो को जीतने वाले मुन्नवर फारूकी को लेकर ट्वीट किया है। याद दिला दें कि हाल ही में रियलिटी शो लॉकअप का पहला सीजन खत्म हुआ है जिसे मुन्नवर ने जीता है। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को धमकी भरा पत्र मिला है। मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने बुधवार को कहा है कि राज ठाकरे को एक पत्र मिला है जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया है। पत्र उर्दू में लिखा गया है। मनसे नेता ने चेतावनी दी है कि अगर ठाकरे को कुछ हुआ तो वो महाराष्ट्र को जला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में सभी कार्यवाहियों पर बुधवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक सरकार औपनिवेशिक युग के इस कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। अन्य अपराधों की तुलना में राजद्रोह एक दुर्लभ अपराध बना हुआ है। अपराधों के तहत दर्ज मामलों में राजद्रोह के केवल 0.01% से कम मामले दर्ज हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 2010 से 2020 तक बिहार में 168 मामले यानी कि सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया था। देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का कहर जारी है। होली के बाद से ही तापमान में तेजी से इजाफा होने के चलते इस बार जल्द ही गर्मी और लू का कहर देखने को मिला है, लेकिन इस झुलसाती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार मॉनसून थोड़ा पहले ही आ सकता है जिससे दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल समेत कई राज्यों में लोगों को राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए लंबी अवधि के अनुमान में ये बातें कही गई हैं। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीनों पर कब्जा करने वालों की चेतावनी दे दी है। उन्होंने चेताया है कि कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सरकारी और पंचायती जमीनों पर 31 मई तक कब्जा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के 20 वर्षों पर आई पुस्तक को राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए अमित शाह ने गीता के समान बताया है। अमित शाह ने पुस्तक विमोचन के मौके पर कहा कि मैं इस किताब में दिए गए चैप्टर्स पर नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इस किताब में मोदी जी के 20 साल के अनुभव के बारे में बात की गई है लेकिन इससे पहले के उनके 30 साल के सफर को जाने बिना ये अधूरा है। उन्होंने कहा कि कैसे एक आदमी जो कभी पंचायत का सदस्य भी नहीं रहा आज वो वैश्विक नेता है, ये जानने की जरूरत है। उड़ीसा में 43,000 से ज्यादा छात्रों द्वारा 10वीं की परीक्षा छोड़े जाने को लेकर राज्य सरकार भी हैरान है। उड़ीसा सरकार ने इस साल की हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 43,489 10वीं कक्षा के छात्रों की अनुपस्थिति की जांच का आदेश दिया है। जांच के आदेश तब दिए गए हैं जब स्कूल और जन शिक्षा विभाग द्वारा ये पाया गया है कि जिन 5.71 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था उनमें से केवल 5.3 लाख ही असल में उपस्थित हुए थे। फूड पॉइजनिंग की घटनाओं के बीच केरल से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। खास बात यह है कि इन संक्रमितों की उम्र 5 वर्ष से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी की रेड आज भी जारी रही। मिली खबर के अनुसार कोलकाता के कुछ ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। खबर के अनुसार कोलकाता के एक बड़े व्यवसायी अभिजीत सेन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष भारत को चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त नितेश व्यास के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें सीईओ मणिपुर राजेश अग्रवाल और सीईओ राजस्थान प्रवीण गुप्ता शामिल रहे हैं। उन्होंने मनीला में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भाग लिया। इस दौरान 2022-23 के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई है। कार्यकारी बोर्ड के लिए 2023-24 के लिए गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।
चीनी सेना ने बुधवार को दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी युद्धपोत का निरीक्षण किया और फिर चेतावनी भी दी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट से गुजर रहा था। वो ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब चीन द्वीप के पास अपना अभ्यास समाप्त ही करते देखा गया था। अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े ने कहा है कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस पोर्ट रॉयल ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से नियमित ताइवान स्ट्रेट ट्रांजिट का संचालन किया, जो कि पिछले दो सप्ताह में यह उसका दूसरा मिशन था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ जिले में स्थित धारचूला तहसील से 19 किलोमीटर दूर बताया गया है। ये इलाका नेपाल और चीन सीमा से लगता है। भूकंप के झटके से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बामंग फ्लेक्स ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार राज्य में लोकल गवर्नेंस को सही मायने में सर्वोत्तम पंचायत सिस्टम को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 30 पंचायत सदस्यों और अधिकारियों की टीम को केरल के एक एक्सपोजर और प्रशिक्षण दौरा पर रवाना करते हुए मंत्री ने कहा कि ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए राज्य में पंचायतों के स्वस्थ विकास पर जोर दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में बांस संसाधनों की खेती और विकास के लिए ट्रेड यूज एवं हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। एक अधिकारी ने दावा किया है कि यह सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बांस की खेती का अभियान है। इस समझौते में 1,00,000 हेक्टेयर वन और गांव की जमीन पर बांस का वृक्षारोपण करना शामिल है, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,897 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,10,586 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 19,494 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 54 और लोगों की जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,157 पर पहुंच गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कथित तौर पर FCRA नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी चंदों को मंजूरी दिलाने के मामले में देशभर में 40 जगहों पर अभियान चला है। करीब 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और बिचौलिए शामिल है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस पीके कौरव की युगलपीठ ने तीसरी मेटर्निटी लीव पर एक अहम फैसला लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कहना है कि एक महिला सरकारी कर्मचारी तीसरी बार मातृत्व अवकाश की हकदार है यदि वो अपने पहले पति को तलाक देती है, पुनर्विवाह करती है और गर्भधारण करती है। सामान्य परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश की अनुमति केवल 2 बार दी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मंगलवार को कहा है कि उनका कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और उनमें हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से अरबपति परोपकारी ने कहा है कि वो तब तक अलग रहेगा जब तक वो फिर से स्वस्थ नहीं हो जाता। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे टीका लगा है और बूस्टर डोज भी लगा है, टेस्टिंग और अच्छी चिकित्सा तक पहुंच भी है। ट्विटर के होने वाले नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगाए गए बैन को वापस लेगा। मीडिया कंपनी को खरीदने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। यह बयान इस बात का संकेत दिया जाता है कि मंच उनके स्वामित्व के तहत मुक्त भाषण के लिए कितना प्रभावी हो सकता है। एक ऑटो कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए टेस्ला के सीईओ ने मंगलवार को कहा है कि 6 जनवरी 2021 को US कैपिटल में हुए विद्रोह के बाद ट्रंप पर ट्विटर का प्रतिबंध एक नैतिक रूप से बुरा और मूर्खतापूर्ण निर्णय था। कोयम्बटूर की 85 वर्षीय कमलाथल, जिन्हें प्यार से लोग इडली अम्मा बुलाते हैं, उनको मदर्स डे का खास उपहार मिला है और ये उपहार देने वाले हैं उद्योगपति आनंद महिंद्रा के। कमलाथल, जिन्हें प्यार से इडली अम्मा के नाम से जाना जाता है, लगभग 37 वर्षों से इडली और सांबर सिर्फ 1 रुपए में बेच रही है और उनकी कहानी ने 2019 में आनंद महिंद्रा का ध्यान खींचा था। मदर्स डे के मौके को खास बनाने के लिए आनंद महिंद्रा की कंपनी ने इडली अम्मा को रहने के लिए घर दिया है। महामारियां प्रायः अपने पीछे दुखद इतिहास को छोड़ती है। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि जो परिवार अपने प्रियजन खोते हैं और जिन देशों का विकास पूरी तरह पटरी से उतर जाता है, उन्हें संभालना भी बहुत बड़ी चुनौती साबित होती है। हालांकि महामारी से मिले सबक याद रखे जाएं और सेहत को प्राथमिकता में लिया जाए तो आने वाले संकटों से पार किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय तकनीक दिवस है। ऐसे में आज के दिन भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंकाने का काम किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण का वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। इसी वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि परमाणु हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं।
एफसीआरए का उल्लंघन कर गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा हासिल करने में मदद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सीबीआई ने देश भर में 40 स्थानों पर छापे मारे और 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, एनजीओ के प्रतिनिधि और बिचौलिए शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित गैलेंट्री अवार्ड एंड डिस्टिंग्विश सर्विस डेकोरेशन सेरेमनी में भाग लिया था। बता दें कि ये डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी मंगलवार को आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा सभी नामित नामों को से सुशोभित किया गया था। इस सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए थे। तेजी से बदल रहे इंटरनेट मीडिया को जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि अभी इंटरनेट मीडिया में जिम्मेदारी का अभाव नहीं है। इन पर जो कंटेंट पोस्ट होते हैं उनको लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। 2021 में ट्विटर जैसे इंटरमीडियरीज को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार आईटी नियम लाई थी। उसके बाद कुछ सुधार तो हुए, लेकिन अभी भी इंटरमीडियरीज के साथ साथ यूट्यूब, ऑनलाइन चैनल जैसे कई मामलों में जवाबदेही का अभाव है। लिहाजा कानून को और सख्त बनाने पर विचार हो रहा है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा है कि भारत को आने वाले कुछ सालों में करीब 1,00,000 ड्रोन पायलटों की जरूरत होगी। मंगलवार को नीति आयोग की तरफ से ड्रोन स्टूडियो अनुभव से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सिंधिया ने कहा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया का ड्रोन हब बन सकता है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन उद्योग में निवेश और रोजगार दोनों की भारी संभावनाएं हैं। अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा है कि भारत को श्रीलंका के मौजूदा हालात से सबक लेना चाहिए, क्योंकि देश उसी राह पर आगे बढ़ रहा है जिस रास्ते पर पड़ोसी देश है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ घंटों पहले उनके समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था। इसके बाद देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और राजधानी में सेना तैनात कर दी गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना कुमार, शंकर राव, उमा शंकर, सत्यप्रकाश कुमार, प्रजापति, ललन कुमार, नीतीश कुमार, सुजीत कुमार, शाहिद कमल, परवेज आलम, कन्हैया सिंह, नुनू कुमार, रामानंद कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।